नमस्कार दोस्तों मैं ऋचा सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का नॉलेज साथी डॉट कॉम में आज हम बात करेंगे हॉस्पिटल में इस्तेमाल किए जाने वाले कम्युनिकेशन टूल के बारे में आई एस बी आर के बारे में तो ये कम्युनिकेशन टूल कौन कौन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कौन कौन से सिचुएशन पर इस्तेमाल किया जाता है आई एस बी आर नर्सिंग स्टाफ आर एमओ कंसल्टेंट डॉक्टर्स पैथोलॉजी स्टाफ और रेडियोलॉजी स्टाफ कर सकता है आई एस बी आर का इस्तेमाल हमें क्रिटिकल वैल्यू बताते समय अर्ली वार्निंग साइन बताते समय नर्सिंग नोट्स देते समय या फिर नर्सिंग हैंड देते समय या फिर टेलीफोनिक ऑर्डर फॉलो करते समय हमें आई एस बी आर का इस्तेमाल करना चाहिए आई एस बी आर आई फॉर इंट्रोडक्शन एस फॉर सिचुएशन बी फॉर बैकग्राउंड ए फॉर असेसमेंट आर फॉर रिकमेंडेशन और रिक्वेस्ट टी फॉर थैंक यू आई फॉर इंट्रोडक्शन यानी आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है अपना नाम अपना डिपार्टमेंट और अपनी डेजिग्नेशन बतानी है एस फॉर सिचुएशन जो भी उस मरीज की सिचुएशन है हमें वो बतानी है करंट सिचुएशन हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करनी है बी फॉर बैकग्राउंड यानी उसकी जो भी क्रिटिकल वैल्यूज़ है या उसका जो भी डायग्नोसिस है वो हमें इन्फॉर्म करना है ए फॉर असेसमेंट उस समय उसकी क्या स्थिति है वो हमें असेसमेंट करके बतानी है उसके वाइटल साइन उसके रेस्पिरेशन जो भी उसकी कंडीशन है उसको हमें असेसमेंट करके ही बताना है आर फॉर रिकमेंडेशन जो भी डॉक्टर हमें ऑर्डर देते हैं वो हमारा रिकमेंडेशन होता है और थैंक यू कह के हमें अपने बात को ख़त्म कर देना है इस कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करने से आप अपने कम्युनिकेशन को बहुत बेहतर बना सकते हैं अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद